आज का इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। 21वीं सदी के भारत को नेपाल भूटान जैसे देशों द्वारा भी आंख दिखाने योग्य बनाने के लिए पूरा देश दोषी, शिव मंगल सिंह। चीन से हर क्षेत्र में आगे भारत को आज चीन से हर क्षेत्र में पीछे करने में देश के राजनीतिक सिस्टम का अहम रोल। देश के स्वाभिमान, जनता एवं हित में देश के वर्तमान पूरे राजनीतिक सिस्टम को भंग कर नए सिस्टम की आवश्यकता। ऑपरेशन विजय देश के वर्तमान राजनीतिक एवं अन्य सिस्टम को बदलकर चीन से भी बेहतरीन सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं। देशवासियों को जाति, धर्म व क्षेत्र के भेदभाव से हटकर अपने व अपने देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए करना होगा काम। साथियों, आज हमारे दिल में एक प्रश्न उठता है और शायद आपके भी दिल में उठता होगा कि 21वीं सदी के भारत को नेपाल और भूटान जैसे देश कैसे आग दिखा रहे हैं। इसके लिए ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग ने 2008 से एक अभियान चलाया था कि हम पूरे देश और समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को मिटाकर एक सशक्त भारत को बनाएंगे। उसके तहत हमने जो इतने लंबे समय में जो पाया और महसूस किया कि भारत और चाइना के बीच में पिछले 42 साल के अंदर यह कितना बड़ा अंतर और कैसे हुआ, आपको महसूस होना चाहिए कि 1978 में चाइना भारत से 26% गरीबी में आगे था, यानी भारत चाइना से 26% अमीर था। और आज की स्थिति है कि भारत चाइना से एक दो नहीं बल्कि कई गुना गरीबी में आगे हो गया। कारण कि हमारे देश के अंदर जो पूरा राजनीतिक सिस्टम है, जो देश का ताकतवर सिस्टम है, जिसमें एक होता है सत्ता पक्ष में और दूसरा होता है विपक्ष में, जो सत्ता पक्ष में होते हैं वो देश की समस्याओं को ना देखकर पूरे 5 साल एक ही फील्ड पर काम करते हैं कि मैं कौन सा काम करता रहूं जिससे अगली साल भी, अगली बार जब भी चुनाव हो तो उसमें भी हम ही सत्ता में आए। और विपक्ष, सत्ता पक्ष कोई भी काम करे लेकिन विपक्ष पूरे देश को चिल्ला चिल्ला करके, झूठ बोल बोल करके सड़कों पर लाता है, समय बर्बाद करवाता है, काम नहीं करने देता है। एक हम छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि आज जो दल सत्ता में है और आज जो विपक्ष में उस दौरान ये सत्ता में थे, तो आज जो सत्ता में है ये डीजल और पेट्रोल के दामों के ऊपर इतना बड़ा हाय तौबा कढ़ा करके पूरे देश को रोड पर ला रहे थे और कहते थे कि ये भारत सरकार या ये स्टेट की सरकारें जो कर सकती हैं वो नहीं कर रही हैं। आज जब ये सत्ता में है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये सरकार के हाथ में ही नहीं। तो आज जो विपक्ष है वो पूरे देश को जो है सड़कों पर लाने के लिए सब हल्ला काटे हुए, जबकि हकीकत ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही समझते हैं कि सरकार की कैपेसिटी क्या है। सरकार कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सीधा एकदम से छड़ी घुमाओ और पूरे देश की समस्याएं बिल्कुल खत्म। हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था से लेकर के और सारी चीजों में जो हमारा देश चाइना से इतना नीचे चला गया, उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों व राजनीतिक सिस्टम के अलावा पूरा देश जिम्मेदार है। हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था से लेकर के और सारी चीजों में जो हमारा देश चाइना से इतना नीचे चला गया, उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों व राजनीतिक सिस्टम के अलावा पूरा देश जिम्मेदार है।
अब आप कहेंगे पूरा देश कैसे जिम्मेदार है। हमारे देश के अंदर जिस जोड़े की, जिस परिवार की एक बच्चे को पालने की क्षमता नहीं है, वो लगातार बच्चे पैदा कर रहा है, ना उनको शुद्ध वातावरण मिल पा रहा है, ना उनको शुद्ध शिक्षा मिल पा रही है, ना ही उनको शुद्ध जिम्मेदारी मिल पा रही है। और वही लोग समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर रेप, गैंग रेप या अन्य जो आपराधिक फील्ड में कदम रख रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज को शिक्षा देने वाले लोग जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और 20-25 हजार रुपए रिश्वत दे करके 25 दिन में 24 दिन अब्सेंट होते हैं और एक दिन हाजिरी लगाते हैं, आप बताइए देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। हमारे देश के अंदर जो सरकारी विभागों में लोग कार्य करते हैं वो इतनी बड़ी तनख्वाह लेते हैं और बिना रिश्वत बहुत बड़े पैमाने पर लोग काम नहीं करते, तो क्या देश के साथ गद्दारी नहीं है? हमारा व्यापारी आज हमारे देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी हो रही है, जिसके कारण आम जनता के शरीर बर्बाद हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, तो क्या ये लोग देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं? हमारी सरकार के सामने आज ये स्थितियां हैं कि सरकार राजस्व के चक्कर में पूरे देश, पूरे समाज को नशे में धकेल रही है। आज नशे के कारण से हमारे देश का श्रमिक, हमारे देश का किसान चीन की अपेक्षा 60% कम उत्पादन कर पा रहा है। चीन का जो श्रमिक है वो हमारे देश के श्रमिक से 60% अब उत्पादन करता है। आज चीन हमारे देश की अपेक्षा एक दो नहीं, कई गुना आगे उसकी अर्थव्यवस्था है। वहां के जो प्रति व्यक्ति आय हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा कई गुना अमीरी में पहुंच गया है। आज चाइना पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में सुपर पावर बन गया। इंडिया के लोग चाइना के अंदर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमारे देश का व्यापारी सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर चीन के ऊपर निर्भर है। हमारे देश की सेना की तुलना में चाइना की सेना लगभग दुगनी है। अब आप बताइए 78 में हमारा भारत चाइना से हर फील्ड में आगे था, और आज जो है चाइना के एक दुरुस्त सिस्टम के कारण चाइना हमारे देश की अपेक्षा हर फील्ड में एक दो नहीं कई गुना आगे हो गया। तो इसके लिए हमारा पूरा राजनीतिक सिस्टम, साथ में पूरे देश के अंदर जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है, ये पूरा दोषी है। इसको हमारे वर्तमान राजनीतिक सिस्टम और देश के अंदर जो बाकी अन्य सिस्टम है, इसको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग इसके ऊपर बहुत ही तेजी से कार्य कर रहा है, और अगर देशवासियों ने साथ दिया तो आगे आने वाले समय में पूरा ये जो राजनीतिक सिस्टम है, जो पूरा सिर्फ अपने लिए कार्य करता है, सिर्फ इसके लिए कि हम केवल सत्ता में बने रहें और पूरे देश को गुमराह करता है, इनको सबको उखाड़ फेंक कर देश के अंदर चाइना की तरह सिस्टम बनाया जाएगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।